नमस्कार, शिल्पा गुप्ता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं दही आलू कट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इसे बनाने के लिए हम चार बड़े साइज का आलू ले लिए हैं और एक कुकर में एक गिलास पानी डाल करके इसे हम मीडियम फ्लेम पर एक सीटी लगाएंगे। आलू हमारा बड़ा है इसीलिए, नहीं तो हाई फ्लेम पर एक सीटी आप लगा सकते हैं। और तब तक हम इधर जीरा भून लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें देने के लिए घर का भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, घर का तैयार किया हुआ फ्रेश, क्योंकि मार्केट का जीरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पाउडर। चाहे वो आलू कट हो, चाहे वो दही वड़ा हो, चाट हो, इस सब में भुना हुआ जीरा का ही फ्रेश पाउडर बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसीलिए हम जीरा को अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे। हमें थोड़ा सा ही ज़रूरत है इसीलिए हम इसी बर्तन में कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कढ़ाई में कर सकते हैं, तवे पे कर सकते हैं। तो ये हमारा लगभग अब होने वाला है। तो अभी हमारा हो चुका है, तो गैस अब हम बंद कर देंगे और इसे एक ओखली में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से कूट लेंगे। ये दरदरा ही कूटना है हमें, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और तब तक इधर हमारा एक सीटी लग चुका है, तो हमारा ये भी कूट के तैयार है। तो आलू हम निकाल लेंगे और इसको हम छीलेंगे। उसके पहले जीरा पाउडर ले लिए, दही ले लिए, काश्मीरी मिर्च ले लिए और थोड़ा सा हरी मिर्च ले लिए बारीक काटा हुआ और चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। तो इस आलू को सबसे पहले हम छील लेंगे, सारे को अच्छे से छील कर हम तैयार लेंगे। आलू बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है, बस पका होना चाहिए, कच्चा भी नहीं और ज़्यादा गला हुआ भी नहीं। तो इसे हम गोल गोल पीस में कट करेंगे, ना ज़्यादा मोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला। इसी तरह गोल गोल कट करके हम सारे को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हम सारा तैयार कर लिए हैं कट करके। और अब इसके ऊपर हम सबसे पहले दही डालेंगे। अगर आपका दही पूरा फ्रेश, मतलब मीठापन है, खट्टापन थोड़ा भी नहीं है, तो सबसे पहले आप इसमें इमली का पानी डालें, उसके बाद दही डालें। तो हमारा दही थोड़ा खट्टा है इसीलिए हम इमली का यूज इसमें नहीं कर रहे। और दही डालने के बाद इस पे हम काला नमक डालेंगे। वाइट नमक का यूज नहीं करना है, काला नमक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छे से हम काला नमक डाल देंगे चारों तरफ और उसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। अगर मार्केट का पाउडर इसमें आप इस टाइम डाल देते हैं तो आपको खाने में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी ये सब चीज़ बनाए, चाहे वो दही वड़ा, चाट, कुछ भी हो, ये सब चीज़ में, स्नैक्स में, तो आप भुना हुआ जीरा पाउडर ही यूज कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है वो खाने में। और अब उसके बाद हम काश्मीरी मिर्च डाल देते हैं। मिर्च आप मार्केट का आसानी से यूज कर सकते हैं, अगर घर का हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप मार्केट का भी मिर्च यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको अब हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च डालें, नहीं तो नहीं डालें। और भी स्पाइसी बनाने के लिए हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और डाल दिए हैं। तो ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। जब शाम में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो बहुत ही आसानी से ये आप 5 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।